ये सरकार झुकती नहीं है तब तक हम लोग एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दे करके और नई जो नियुक्तियां आ रही है उस सारी नियुक्तियों में जब प्रमोशन नहीं मिलेगा तो हमारे SC ST के जो वैकेंसी है नहीं आएगी और अब हमारे समाज के कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया है जबकि OBC को दे दिया गया, जनरल को दे दिया गया। पूरे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण हो और जो इतनी महंगाई बढ़ी है छात्रवृत्ति भत्ता बढ़े। अमर ज्योति जी हैं, चंदन जी हैं, निकिश हैं, दीपांकर हैं, सुधीर रजक हैं, निशांत चौधरी जी हैं, सभी लोग हम लोग मिल करके आंदोलन कर रहे हैं। तो बिहार में तमाम जो दलित नेता हैं वो एक बैनर के नीचे आए हैं और वजह क्या है? वजह यह है कि प्रमोशन में जो आरक्षण पर रोक लगाया गया है उसके खिलाफ जो तमाम बिहार के दलित युवा नेता हैं, चाहे वो अमर आज़ाद हो, अमर ज्योति हो या फिर और भी नेता हो बिहार के युवा, वो जो है अब सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने की वजह है ये है कि प्रमोशन में जो आरक्षण दलितों को बंद की गई है नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ जो है सड़कों पर अमर आज़ाद के साथ अमर ज्योति, जो कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि भीम आर्मी के नेता हैं अमर ज्योति, अमर आज़ाद BSP के नेता हैं, अब पार्टी से ऊपर उठ करके ये लोग अब एक बैनर के तले आए हैं और प्रमोशन में जो आरक्षण बंद किया गया है उसके खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरे हैं। और जिस तरह से बिहार सरकार दलितों को लेकर करके संवेदनशील दिख नहीं रही है, लगातार दलित अत्याचार बढ़ रहा है, प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दी गई है, इसको लेकर के जो है अमर आज़ाद और अमर ज्योति जो बिहार के दो युवा बड़े युवा नेता हैं वो अब इस बार सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने का वजह है कि आरक्षण जो प्रमोशन में बंद किया गया है उसके खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और दलित अत्याचार बिहार में बढ़ता जा रहा है उसको भी लेकर करके ये लोग सड़क पर उतरे हैं। जिस तरह से बिहार में दलित पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और लगभग जो स्थिति है दलित विरोधी मानसिकता वाली सरकार जो है ये दर्शा रही है, अमर आज़ाद का ये आरोप था पहले भी और अभी भी यही आरोप है और यही जो अभी स्थिति बनी हुई है कारगिल चौक पर जो तमाम बिहार के युवा दलित नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण जो है वो देना होगा। जाप के नेता हैं और देखिए हम लोगों का मांग है, हम लोग का जाति जनगणना हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, हम लोगों को आरक्षण चाहिए और पूरे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति अंबेडकर छात्रावास का निर्माण हो और जो इतनी महंगाई बढ़ी है छात्रवृत्ति भत्ता बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग रैली इसलिए जो निकाय है जो तत्कालीन है कि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया है जबकि OBC को दे दिया गया, जनरल को दे दिया गया और शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया गया है। लाखों के कर्मचारी हैं जो अभी उनको पदोन्नति नहीं दिया गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो और सबका तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो अब दलितों को ऐसी क्या दुश्मनी आ गई जब दलितों को आरक्षण नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे और सभी को आप दे दिए, तो ये नीतीश कुमार का दलित विरोधी चेहरा नहीं चलेगा और पूरे बिहार में हम लोग विरोध करेंगे। में भी छाट दिया गया नीतीश कुमार मर्दा बोर्ड बिहार के तमाम दलित नेता इस मसले पर एक साथ आए, अमर ज्योति भीम आर्मी से हैं, आप BSP से हैं, तमाम जो लोग हैं पार्टी के ऊपर हम लोग तमाम जितने युवा हैं जो विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक संगठन से हैं दलित मुद्दों पर हम लोग सब एक साथ होकर के, अमर ज्योति जी हैं, चंदन जी हैं, निकिश हैं, दीपांकर हैं, सुधीर रजक हैं, निशांत चौधरी जी हैं, सभी लोग हम लोग मिल करके आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि दलित के हक अधिकार का बात है, आरक्षण का बात है, पूरे बिहार में अम्बेडकर छात्रावास 5,000 की जनसंख्या में बनवाई जाए और जो महंगाई बढ़ गया है महंगाई भत्ता के साथ छात्रवृत्ति मिले और प्रमोशन में आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा वो दे, उसी के लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। अमर ज्योति जी क्या लग रहा है बिहार सरकार क्यों इस तरह के काम कर रही है दलित? बिहार सरकार की जो मानसिकता है, आपको जो आदेश आया है कि कर्मचारियों के प्रमोशन रोक दिया जाए, 17% सीट रिजर्व
डिजर्व करके ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आप जनरल को, ओबीसी को, सबको आप प्रमोशन दे रहे हैं। बिहार में एससीएसटी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दे करके और नई जो नियुक्तियां आ रही है उस सारी नियुक्तियों में जब प्रमोशन नहीं मिलेगा तो हमारे एससीएसटी के जो वैकेंसी है नहीं आएगी और अब हमारे समाज के कर्मचारी अधिकारी पर अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसका बड़ा नुकसान है और ये सरकार नहीं चाहती है कि दलितों को इनको अधिकार दे। तो सारे जो बिहार के बहुजन दलित संगठन है सब लोग यूनाइट होकर के इस मुद्दे पर हम लोग जब तक ये सरकार झुकती नहीं है तब तक हम लोग एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। बिहार सरकार के किसी मंत्री या फिर सचिवालय से संबंधित कोई अधिकारी से मिले हैं इस मसले पर आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार सरकार के जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं जो एससीएसटी समुदाय के हैं, उन सबका ज्ञापन पत्र हम सबको मिला है और उन सबके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि सरकार जो है इस तरह की बहुत बड़ी खामी कर रही है और लाखों हजारों सीटों को काट करके हमारे समाज की युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रही है। इसलिए हम सब लोग यूनाइट होकर आज लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दीपांकर भट्टाचार्य, दीपांकर कुमार हो या फिर अमर आजाद, अमर ज्योति, सब जो हैं दलित मुद्दे पर एक साथ आए और वजह यह है कि जो दलित जाति की, जो एससी समाज की यानी कि अनुसूचित जाति को जो प्रमोशन में आरक्षण बंद की गई है उसको लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पार्टी से ऊपर उठ करके अमर ज्योति हैं भीम आर्मी से, अमर आजाद हैं बीएसपी से और दीपांकर कुमार है जो कि जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के पार्टी से हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो लोग आए हैं और यहाँ पर पुलिस जो है समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग अब बंद कीजिए यहाँ पर प्रोटेस्ट। अब सब लोग पार्टी से ऊपर उठ करके ये लोग काम कर रहे हैं।